कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आती है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होता, खासतौर पर ट्रांसजेंडर जैसी चीजों पर तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताएंगे जो ट्रांसजेंडर से जुड़ी हुई है और सभी के लिए एक प्रेरणा भी है। दरअसल भारत की पहली मिस इंडिया ट्रांस क्वीन नितिशा विश्वास के बारे में हम बात कर रहे हैं। नितिशा का बचपन तो सामान्य लड़कों की तरह शुरू हुआ, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर लड़कों को नहीं बल्कि महिलाओं वाली फीलिंग्स हैं। इस मुश्किल परिस्थितियों को भी नितिशा ने पूरी हिम्मत से जिया और नए रास्ते तलाशे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्च में जो हुआ वो मिस इंटरनेशनल क्वीन जो थाईलैंड में, उसमें नितिशा नजर आई और नितिशा भारत को रिप्रेजेंट भी की। इसके चलते नितिशा कोलकाता से 25 फरवरी को ही निकल गई थी। नितिशा ने बताया कि मुझे बचपन से ही एहसास हो गया था, लेकिन मैंने कभी कुछ बोला नहीं। मैं कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही थी क्योंकि मुझे जर्नलिस्ट बनना था। इस दौरान जब घर वालों ने मेरी शादी के लिए लड़की तलाशनी शुरू की तो मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत होने जा रहा है। इसके चलते मैंने घर में बताया कि मैं लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ और मुझे लड़के से शादी करनी है। उस वक्त सबने मुझे पागल समझा, लेकिन बाद में सबको समझ आ गया कि मैं क्या हूँ। इसके बाद मैं दिल्ली आ गई और यहाँ अपना जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करवाया। बहुत समय तो मैं डिप्रेशन में रही, लेकिन फिर जिंदगी नए सिरे से जीने की कोशिश की। इसके बाद मैंने मिस इंडिया ट्रांस क्वीन प्रतियोगिता जीती और मेरी लाइफ बदल गई। नितिशा के अनुसार वे रात दिन मेहनत करती हैं, वे सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, उसके बाद वॉक करती हैं, डॉक्टर की सलाह से हेल्दी फूड लेती हैं और जिम में पसीना बहाती हैं। जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के लेकर वे नर्वस बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही नितिशा बॉलीवुड में बतौर लीड एक्ट्रेस का रोल करके ट्रांसजेंडर के प्रति लोगों की धारणा बदलना चाहती हैं। वे कहती हैं कि मैं करण जौहर की फिल्मों से डेब्यू करना चाहती हूं, साथ ही डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और मधुर भंडारकर के साथ भी काम करने की ख्वाहिश है। क्यूरियन हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।